दोनों पड़ोसी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी से बयानों की दिलचस्प सियासी टक्कर भी दिखी। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि महिला आरक्षण के लिए बने कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष देश की बहनों के बीच फूट डालना चाहता है। और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया। अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है, अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा। इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है, आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं बहने, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाए, ये आपको तोड़ने की कोशिश करे मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए, ताकि आपके सपने मोदी पूरा कर पाए। Zee News.